Hello aspirants, welcome to Aspirant Dream Civil Services. How's your preparation going on? Hope so you all are doing good. Today I am going to start one of the important video which is for BPSC Project Manager exam which is going to be held on 8 August or officially date aagayi. So this video is on demand of the aspirants of my batch of BPSC mains. They are saying ki there is no previous exam paper or project manager available. So ma'am, please provide some videos on project manager exam. So first of all, I'm going to tell you ki what is the pattern for this exam. There is 150 questions aayenge, jisme se 70 questions jo hai wo economics se aayenge, and around 40 questions jo hai wo current affairs se aayenge, and 40 questions are from the mental ability test se aayenge. So aapko agar ye exam crack karna hai to aapko do pattern jo part hai usko स्पेशली कवर करना होगा, लाइक इकोनॉमिक्स पार्ट को अच्छे से कवर करना होगा और करंट अफेयर्स पार्ट को कवर करना होगा. तो मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स के 70 क्वेश्चन के लिए सारा मटेरियल यहीं पे कवर कराऊंगी, एंड आई आल्सो प्रोवाइड करंट अफेयर्स पार्ट फॉर द बीपीएससी एग्जाम, एंड 40 क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके यहीं से कवर हो जाएंगे. दैट इज 110 क्वेश्चन आप आराम से मेरी वीडियो से अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, जो 66 बीपीएससी पीटी का कट ऑफ था वो 108 था, तो इस एग्जाम के लिए भी आपको 100 प्लस मार्क्स लेकर ही आने होंगे, तभी आप पीटी क्रैक कर सकते हो और मेंस के लिए क्वालिफाई होगे. तो आप ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा. मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करूंगी, लाइक विच इज इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट मैनेजर एग्जाम, लाइक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ बिहार, टैक्सेशन पार्ट, एंड ऑल द इंट्रोडक्टरी टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, बेसिक टर्म्स जो एग्जाम में पूछी जाती है, लाइक जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, परचेजिंग पावर पैरिटी, और जो भी प्लानिंग पार्ट है वो सब मैं कवर करूंगी विच इज रिलेटेड विद दिस एग्जाम, एंड आई विल ऑल्सो डिस्कस नीति आयोग एंड फिस्कल सिस्टम इन डिटेल. सो आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा और मैं करंट अफेयर जो पार्ट है बिहार का और इस एग्जाम में जो करंट अफेयर आ सकता है वो सब भी डिस्कस करूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. इन टुडेज वीडियो आई विल डिस्कस ऑल द इम्पोर्टेंट प्लान्स विच आर कवर्ड अंडर सिलेबस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, एंड दीज प्लान्स आर विश्वेश्वरीय प्लान, फिक्की प्लान, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, रोलिंग प्लान, एंड नेहरू महालनोबिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. बिफोर स्टार्टिंग दी प्लान्स इन डिटेल, आई एम गोइंग टू गिव सम ब्रीफ अबाउट द प्लानिंग. सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इट वॉज फर्स्ट इनिशिएटेड इन इंडिया 1938. सो इकोनॉमिक प्लानिंग जो है इंडिया में 1938 में शुरू हुआ था, और ये शुरू किसने किया था, कांग्रेस के जो प्रेजिडेंट है जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने स्टार्ट किया था, और उनके साथ में अतुल तिवारी भी थे. और इसके लिए एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, और नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने के लिए सुभाष चंद्र जी बोस जो हैं उनको परसुएट किया था मेघना शार ने. सो ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट हैं. और इसके हेड किसको बनाया गया था, इलेक्टेड हेड जो हैं वो एम विश्वेश्वरैया थे. सो लेटर ऑन जो एम विश्वेश्वरैया थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को हेड बना दिया था नेशनल प्लानिंग कमेटी का. एंड इवन जो ब्रिटिश राज हैं उन्होंने एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड भी एक एस्टेब्लिश किया था, और जिसके हेड थे केसी नियोगी, और ये फंक्शन इसने किया था फ्रॉम 1944 से 1946 में. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि एम विश्वेश्वरैया कौन थे. एम विश्वेश्वरैया जो हैं एक एक्स दीवान थे मैसूर स्टेट के, और ये एक पॉपुलर सिविल इंजीनियर भी थे. सो ये ही फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इंडियन प्लानिंग के लिए फर्स्ट ब्लूप्रिंट इंडिया में स्टार्ट किया था, और इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो पब्लिश हुई थी 1934 में, जिसने प्लान्स के प्रपोजल के बारे में उसमें डिटेल में दिया था इस बुक के अंदर. सो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं. बुक का नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में पीटी के कि द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय हुम. सो आंसर इज एम विश्वेश्वरैया. सो आइडिया ऑफ एम विश्वेश्वरैया प्लान इज बेस्ड ऑन द स्टेट प्लानिंग. सो स्टेट प्लानिंग के ऊपर बेस्ड था ये प्लान जो है, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म से रिलेटेड था, जो कि सिमिलर था यूएसए कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी से. एंड इस प्लान में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया, एज फर्स्ट प्लान जो था इंडिया का उसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के ऊपर ज़्यादा फोकस था, बट आफ्टर दिस प्लान ऑफ एम विश्वेश्वरैया देर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया इस प्लान ने, बिकॉज देर वॉज अ टारगेट टू डबल द नेशनल इनकम इन वन डिकेड. बिकॉज इंडिया का टारगेट था कि इंडिया की नेशनल इनकम को जो है वो डबल करना है एक डिकेड में. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्लान पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, बट इस प्लान के आने के बाद क्या हुआ था कि जो एजुकेटेड सिटीजन्स थे कंट्री के वो नेशनल प्लानिंग के लिए ज़्यादा जागरूक हो गए थे, और उनका आग्रह इसके लिए ज़्यादा बढ़ गया था.
सो एम विश्वेश्वरीय प्लान जो था इट वॉज बेस्ड ऑन द लाइन्स ऑफ यूएसए एंड टर्की बेसिक पॉलिसी, और इसका मेन एम था कि कॉम्युनिस्टिक टेंडेंसी जो है उसको अवॉइड करना है एंड टू एनकरेज द कलेक्टिव एफर्ट. तो इसमें कोई भी इंडिविजुअल इनिशिएटिव का इंटरफेरेंस ना हो, और इट वॉज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट दैट इज डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म. सो इन शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनमी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि कैपिटल इकोनॉमी होता क्या है, तो तभी हमें पता चलेगा व्हाट इज द मेन बेसिक ऑफ दिस प्लान. सो कैपिटल क्या होता है, इट इज द ऑल दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. सो कैपिटल के लिए या वेल्थ जनरेशन करने के लिए जो भी मैन मेड गुड्स होते हैं उनको यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल. और ये कैपिटल जो होती है इट इज अ मैन मेड रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इसके अंदर क्या क्या आता है, जो भी मशीनरी टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं लाइक बिल्डिंग रेलवेज या सभी तरह के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन रॉ मटेरियल्स, तो एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू जनरेट आ कैपिटल इट इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल इकोनमी. नाउ सेकेंड इम्पोर्टेंट प्लान जो है इट इज फिक्की प्लान. तो फिक्की प्लान जो है वो कब आया था, 1934 में क्या होता, देर वॉज अ नीड ऑफ द नेशनल प्लानिंग एंड दिस वॉज रिकमेंडेड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. सो फिक्की ने इसको रिकमेंड किया था 1934 में कि एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट लेवल पे. तो इसके जो प्रेजिडेंट थे प्लान के वो कौन थे, एन आर सरकार. तो ये पीटी में पूछ सकते हैं हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ फिक्की प्लान, तो नेम याद रखना एन ए सरकार. एंड इन्होंने क्या बोला था, ही प्रोक्लेम दैट जो डेज ऑफ अनडाइल्यूटेड लेसे फेरी हैं दीज वर गोन फॉर एवर एंड फॉर अ बैकवर्ड कंट्री लाइक इंडिया देर इज अ नीड टू मेक अ सम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इन्होंने ये बोला था कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे प्लानिंग की जरूरत है जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और इसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर किया जाए जो कि नेसेसिटी बेस्ड है. मेन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जो भी नेसेसिटीज हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए पहले उस पर फोकस किया जाए ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके कंट्री के अंदर, बिकॉज स्टिल इंडिया वॉज अ बैकवर्ड कंट्री दैट टाइम, तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं थी, तो इसके लिए एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है. तो दिस वॉज द मेन एम ऑफ द फिक्की प्लान. सो ऑन द बेसिस ऑफ द फिक्की प्लान देर वॉज अ नीड टू मेक अ सम प्लानिंग कमीशन लाइक नेशनल प्लानिंग कमीशन जिसने फर्दर कोऑर्डिनेट किया पूरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को कंट्री के अंदर, और एक स्ट्रक्चरल लेवल पे प्लानिंग की गई एंड देर वॉज अ फोकस ऑन द फुल ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनमी. सो इन ब्रीफ नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने की बात की गई ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिक्की प्लान. एट द लेट 19th century में क्या हुआ था कि देर वॉज अ इकोनॉमिक थिंकिंग ऑफ द नेशनलिस्ट. तो कुछ नेशनलिस्ट थे लाइक एम जी रानाडे एंड दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने फेवर में बात की ऑफ डोमिनेंट रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी, की इकोनॉमी के अंदर जो है स्टेट का रोल होना चाहिए. एंड दे आल्सो मेक सम रेज सम क्वेश्चन विच वॉज रिलेटेड विद द मार्केट मैकेनिज्म. तो इसमें क्या था, जो कीनेसियन आइडिया था विच वॉज इन द वेक ऑफ ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ था यूएसए में और सोवियत यूनियन में, तो वहाँ पे कीनेसियन आइडिया आया था विच वॉज रिलेटेड विद द नेशनल प्लानिंग. तो इन नेशनल लीडर ने बोला कि देर शुड बी अ रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमी के अंदर, स्टेट का रोल होना चाहिए आफ्टर दैट. और इसमें जो फिक्की ने जो फिक्की प्लान ने जो बात कही उसको भी इसने बहुत ज़्यादा रेज किया कि ये जो है नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाने की बहुत ज़रूरत है अगर हमें स्टेट के रोल को इकोनॉमी में बढ़ाना है. थर्ड इम्पोर्टेंट प्लान इज द बॉम्बे प्लान. सो बॉम्बे प्लान को जो है अ प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया भी बोलते हैं, और इस प्लान को बनाने के लिए 8 कैपिटलिस्ट इन्वॉल्व हुए थे. तो उन 8 का नाम आपको याद रखना है, फर्स्ट है पुरुषोत्तम दास तारक दास, सेकेंड है जेआरडी टाटा, थर्ड वन इज जीडी बिरला एंड फोर्थ इज लाला श्री राम एंड नेक्स्ट इज कस्तूरबा भाई लाल भाई एंड एडी शरोफ अब्देशिर दलाल एंड जॉन मथई. सो ये सब 8 कैपिटलिस्ट जो हैं उन्होंने मिलके ये बॉम्बे प्लान बनाया था जो पब्लिश हुआ था 1944 से 1945 में. सो आउट ऑफ दीज 8 इंडस्ट्रियलिस्ट में से जो पुरुषोत्तम दास तारक दास थे वो मेंबर थे नेशनल प्लानिंग कमेटी के 1938 में, और जीआरडी डाटा और जीडी बिरला
और लाला श्री राम को भी मेंबर बनाया गया सब कमिटीज की, जो 29 टोटल सब कमिटीज बनाई थी तो उसके मेंबर्स उनको बनाया गया नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनी थी उस। बॉम्बे प्लान इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बॉम्बे प्लान और नेशनल प्लानिंग कमेटी के बीच में जो भी समझौता हुआ था, जो भी बातें हुई थी, जो एग्रीमेंट्स हुए थे, तो उसका बाद में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद बनी थी, प्लानिंग कमीशन बनी थी, तो उसके अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है। सो इसलिए बॉम्बे प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद दिस प्लानिंग। इम्पोर्टेंट बेसिक एग्रीमेंट क्या क्या हुए थे, तो फर्स्ट एग्रीमेंट जो था वो इट वॉज रिलेटेड विद द इशू ऑफ एग्रेरियन रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर था, विच इसमें क्या था कि देर वॉज अ एबोल्यूशन ऑफ ऑल द इंटरमीडियरीज। तो इस एग्रेरियन जो पार्ट है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया और ये बोला गया कि जो भी इंटरमीडियरीज होते हैं लाइक जमींदारी जो होते हैं, जमींदार पार्ट होते हैं, उन सबको क्या किया जाए, अबॉलिश किया जाए। एंड देर शुड बी द मिनिमम वेजेस होनी चाहिए एंड देर विल बी अ गारंटी ऑफ मिनिमम और फेयर प्राइजेस फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एंड इवन देर वॉज अ टॉक ऑन द कोऑपरेटिव्स आल्सो एंड क्रेडिट एंड मार्केटिंग सपोर्ट्स के बारे में भी एग्रीमेंट पास किए गए। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एग्रीमेंट जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी पास किया गया, विच वॉज फॉर बोथ द प्लान्स एग्रीड अपॉन एम्फेसिस ऑन जिसमें जो है हैवी कैपिटल गुड्स और बेसिक इंडस्ट्रीज जो है उनके ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया बॉम्बे प्लान में। बॉम्बे प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि इसमें अराउंड 35% जो है टोटल प्लान का आउटले वो बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर ही बेस्ड था। सो जो ये दोनों थे बॉम्बे प्लान और एनपीसी जो कमेटी थी, इन दोनों ने सोवियत प्लानिंग के से कुछ मींस क्लूज लिए और इन्होंने कहा कि जो अगर हमें डेवलपमेंट करनी है इंडियन इकोनॉमी की तो हमें एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर ही फोकस करना होगा, मींस बेसिक इंडस्ट्रीज के ऊपर ही हमें डेवलपमेंट करना होगा। सो ये दोनों प्लान्स ने एग्री किया कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ द मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन आर कंट्री। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है तो हमें स्मॉल मीडियम और कॉटेज इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना होगा, एंड जिसकी वजह से हमें कैपिटल जो है वो कम इन्वेस्टमेंट हो और कम से कम जो हमारे प्लांट्स और मशीनरी जो है वो कम से कम इन्वेस्टमेंट में तैयार हो जाएं और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो लोगों की और कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, विच इज़ द रियली नीड ऑफ दैट आर। सो जैसे कि मैंने बताया इसमें स्टेट के रोल की बात की गई थी कि स्टेट जो है उसको एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करना चाहिए कि कैसे इकोनॉमी को डेवलप करें प्लानिंग के थ्रू, तो इसमें दोनों प्लान्स ने जो है इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने भी बॉम्बे प्लानिंग की भी स्टेट के रोल को जो है बढ़ाया जाए इकोनॉमी के अंदर, विच इज़ रिलेटेड विद द ट्रेड इंडस्ट्री बैंकिंग और स्टेट ओनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और इवन डायरेक्ट और एक्सटेंसिव कंट्रोल हो स्टेट का थिंक सारी इंडस्ट्री रिलेटेड चीज़ों के ऊपर और प्लानिंग के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि लार्ज स्केल मेजर्स जो थे लाइक सोशल वेलफेयर किया जाए विच वर फेवर्ड बाय द बोथ द प्लान्स। तो सबने कहा था कि सोशल डेवलपमेंट भी हो साथ साथ वेलफेयर भी हो एंड विच वॉज सजेस्टेड टू बी बेस्ड ऑन द इशूज लाइक सबको राइट टू वर्क किया जाए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, सबको गारंटी दी जाए कि आपको मिनिमम वेजेस मिलेगी एंड देर शुड बी अ ग्रेटर स्टेट एक्सपेंडिचर। ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट जो है वो हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन पे खर्चा करे, एजुकेशन फ्री में दे और सोशल इंश्योरेंस दे टू कवर द अनएम्प्लॉयमेंट अगर हैं तो उनको इंश्योर करे कि हाँ आपको मीन्स एम्प्लॉयमेंट मिलेगी इन फर्दर टाइम में। और दे वॉज अ प्रोविजन फॉर यूटिलिटी ऑफ सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रोविजन्स थी विच वर प्रोवाइडेड एट द लो कॉस्ट थ्रू द स्टेट सब्सिडीज भी प्रोवाइड की गई इस प्लान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लान इज गांधीयन प्लान। सो गांधीयन प्लान जो है वो किसने दिया था, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने, और ये प्लान जो है वो फॉर्मुलेट हुआ था 1944 में। मेन एम्फेसिस जो है इस प्लान का वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। सो ये याद रखना है कि जो हमने एम विश्वेश्वरैया प्लान पढ़ा, बॉम्बे प्लान है, उन सब के क्या क्या मीनिंग थे। जैसे कि अभी हमें पढ़ा जो बॉम्बे प्लान है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर और स्टेट के रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, तो ऐसे जो गांधीयन प्लान है उसका फोकस जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। इवन यहाँ पर थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर भी जो है फोकस किया गया था, बट इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेन फोकस क्या था कि कॉटेज और विलेज लेवल इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करना है जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। जबकि जो नेशनल प्लानिंग कमेटी और बॉम्बे प्लान थे उन्होंने हैवी इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया था। सो दोनों के बीच में ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस याद रखना।
एंड इस प्लान ने क्या बोला था, इसने बोला था कि देयर शुड बी अ डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर फॉर इंडिया. मीन्स इन्होंने सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस की बात की और डिसेंट्रलाइजेशन की बात की. सो वट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द गांधी प्लान एंड बॉम्बे एंड एनपीसी प्लान? तो गांधी प्लान जो है वो सेल्फ कंटेन्ड विलेजेस डेवलपमेंट की बात करते हैं, मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, और वो अगेंस्ट थे मॉडर्न सिविलाइजेशन के, और जो सेंट्रलाइज स्टेट पावर है और कमर्शलाइजेशन जो है, इवन जो यूरोपियन कॉलोनिज्म है उसके भी खिलाफ थे. बट जो एनपीसी और बॉम्बे प्लान थे इन्होंने फोकस किया था सेंट्रलाइज प्लानिंग पे, और डोमिनेंट रोल ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमी पे इन्होंने फोकस किया था, मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया था. इवन जो गांधी जी थे वो ये भी कहते थे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वही हमारी जो कंट्री के अंदर एक इनएबिलिटी क्रिएट करती हैं, और यही एक कारण है कि हमारी कंट्री के अंदर पावर्टी है. सो दिस वॉज अंटिल 1940s में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया था जो गांधी जी का व्यू है उसको, और उन्होंने मोबिलाइज किया था मास मूवमेंट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल. बट इट वॉज एनपीसी जो है जिसने क्या बोला था कि कांग्रेस एक डिफरेंट व्यू प्रोवाइड कर रही है इन सब इश्यूज से रिलेटेड, और गांधी आइडियाज को ये ब्रेक कर रही है. सो इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल प्लानिंग कमेटी देर वॉज अ अलोन गांधीयन जिनका नाम था जेसी करप्पा. तो 15 मेंबर कमेटी थी एनपीसी जिसमें से एक ही गांधीयन थी जेसी करप्पा. उन्होंने जो एनपीसी की अथॉरिटी है उस पर क्वेश्चन किया विच वॉज रिलेटेड विद द डिस्कशन ऑफ द प्लान फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन. उन्होंने कहा कि जो नेशनल प्रायोरिटी है विच इज अडोप्टेड बाय द कांग्रेस कमेटी वो ये है कि वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसको एलिमिनेट करना चाहती है. तो उन्होंने इस बात पर एम्फसाइज किया. आफ्टर दैट नेहरू जी जो है वो बीच में आए और उन्होंने कहा कि जो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो थे एनपीसी के उन्होंने भी ये बात मानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम तब तक प्रमोट नहीं कर सकते जब तक हम स्मॉल स्केल लाइक कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना पड़ेगा. तो इस बात को उन्होंने माना. एंड ड्यू टू दिस देर वॉज अ नेसेसरी टू आर्टिकुलेट द गांधीयन व्यू ऑफ प्लानिंग विद दिस प्लान ओनली. सो गांधीयन व्यू से ही जो है स्मॉलर कॉटेज इंडस्ट्रीज को इम्पोर्टेंस दी गई. इन शॉर्ट इज दैट. नाउ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्लान इज पीपल्स प्लान. सो 1945 में पीपल्स प्लान जो है एक रेडिकल ह्यूमैनिस्ट लीडर थे जिनका नाम है एम एन रॉय. उन्होंने ये प्लान स्टार्ट किया था एंड ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन आल्सो. तो ये उसके चेयरमैन भी थे और ये प्लान जो है वो बेस्ड था मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट पॉलिसीज के ऊपर. एंड इस प्लान ने कहा था कि देर वॉज अ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग द पीपल विद द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज जो हैं लाइफ की उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया इस प्लान में. दैट इज़ वाई दिस प्लान इज कॉल्ड एज पीपल्स प्लान. इस प्लान का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, इस प्लान में दोनों के ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चर के ऊपर भी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर भी. और इवन जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी ये एट्रीब्यूट किया कि जो सोशलिस्ट लीनिंग्स हैं इंडियन प्लानिंग के अंदर वो इस प्लान से इंक्लूड होनी चाहिए. मींस इसमें नेसेसिटी जो लाइफ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो. इवन इस प्लान से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स थे यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ मिड 90s में और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो आया था 2004 में वो भी इस प्लान से इंस्पायर हुए थे पीपल्स प्लान से. और इवन जो बाद में स्लोगन दिया गया था विच वॉज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1990s में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई उसमें भी पीपल प्लान से बहुत सारी चीज़ें ली गई थी. सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट टूडेज प्लानिंग पार्ट. तो ये सारे प्लान्स में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है जो मैंने बताई हैं. पीटी के लिए भी और मेन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो आप इस वीडियो को सुनिएगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं. तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं कमिंग प्लान जो है डिस्कस करूंगी लाइक सर्वोदय रोलिंग प्लान एंड प्लानिंग कमीशन को और इवन नीति आयोग को भी पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगी. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज द न्यू एफर्ट फ्रॉम माय साइड फॉर ऑन द डिमांड्स ऑफ ऑल एस्पायरेंट्स. सो आप सबकी डिमांड पे मैंने ये स्टार्ट किया. तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. और जो भी बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये सारी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अपने फ्रेंड्स को बताइए, साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको सारी वीडियोज़ आगे नोटिफिकेशन मिल जाए. और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा.
तो मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ. जय हिंद.